बदायूं पुलिस और गौतस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ है। चेकिंग के दौरान हुए एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गौतस्कर और एक सिपाही घायल हुआ है। 25,000 के इनामी गौतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल हुआ आरोपी मोइन सदर कोतवाली इलाके का रहने वाला बताया गया। बरेली में चोरी के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए, एक सिपाही भी घायल हुआ है और घायल हुए बदमाशों में एक 25,000 का और दूसरा 10,000 का इनामी है। एनकाउंटर फतेहगंज पूर्वी थाना इलाके में हुआ। घायल हुए दोनों बदमाश बारादरी थाना इलाके के रहने वाले बताए गए। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस टीम द्वारा उचसिया लखनापुर रोड पर बाद मुठभेड़ दो साथी इनामिया भैंस चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में जुनैद पुत्र शौकत अली जो कि 25,000 का इनामिया है, थाना भारादरी क्षेत्र का निवासी है, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। एक अन्य बदमाश जो कि 10,000 का इनामिया है, लाडला पुत्र जान मोहम्मद, वो भी बारादरी थाना क्षेत्र का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पीलीभीत में पुलिस ने सोने के सिक्के के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीसलपुर नगर के सर्राफा कारोबारी से 30,00,000 रुपए की ठगी की गई थी। ये लोग पैसे लेकर गाड़ी से सिक्के लेने चले गए और लौट कर नहीं आए। इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुवाया कोतवाली में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,44,000 रुपए और एक कार जब्त की है। कासगंज से अगली बड़ी खबर, स्कूल बस और इको वैन में भिड़ंत हुई है। 7 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, 3 बच्चों की हालत गंभीर है। अलीगढ़ उन्हें रेफर कर दिया गया है। 4 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। हादसे में वैन के ड्राइवर की मौत हो गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। 3 बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया। तो 7 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल बस और इको वैन के बीच भिड़ंत हुई और हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई है।